नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ के हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं नंदिनी पाठक। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं, तमाम उन बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके सामने आती हैं, उनके बारे में आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं। और इस तमाम चर्चा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तमाम विशेषज्ञ। और इसी तरीके से आज के हमारे एपिसोड का जो विषय है वो है क्रिटिकल केस को लेकर, और हम चर्चा करेंगे डॉक्टर रणवीर त्यागी के साथ जो कि डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केस के सिनर्जी हॉस्पिटल में। सबसे पहले डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का जो हमारा विषय है वो है क्रिटिकल केसेस को लेके, तो हम चर्चा शुरू करेंगे और डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर बात करें क्रिटिकल केस की, तो क्रिटिकल केस क्या होते हैं, एक व्यक्ति को कैसे समझाया जाए कि ये क्रिटिकल केस है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा नंजी जी और सी न्यूज का जो मेरे को बुलाया और यहाँ इसके लिए। क्रिटिकल केयर में जो पहचानने के लिए तीन चार चीज़ें हैं जरूरी हैं, जैसे मरीज की सांस तो ज़्यादा नहीं चल रही, नॉर्मली जो श्वसन क्रिया की जो रेट है जो नॉर्मली आदमी बड़ों में 16 से 20 बार लेता है और बच्चों में 20 से 25 बार होता है, तो नॉर्मली अगर 20 से ज़्यादा बार सांस ले रहा है एक मिनट में तो आप समझिए कि कोई ना कोई दिक्कत है। और दिल की धड़कन अगर उसकी बढ़ रही है ना, तो दिक्कत वाली बात है। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए जी। तो अगर किसी बीमारी के साथ अगर हम देखें, जैसे कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो क्रिटिकल केस की कंडीशन बयां करती हैं, या किसी पेशेंट को ये लगे कि एक बीमारी के साथ ये केस सीरियस हो सकता है, तो वो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं और उनकी क्रिटिकल केयर ने हर बीमारी की अपनी तरह से प्रेजेंट करती है क्रिटिकल केयर। जैसे सपोज करो डेंगू है ना, तो डेंगू में अगर मरीज की सांस ज़्यादा चलने लग जाए, ब्लड प्रेशर कम हो और सूजन आ जाए तो वो क्रिटिकल केयर है। प्लेटलेट कम होना बहुत क्रिटिकल केयर की निशानी नहीं है। प्लेटलेट तो धीरे धीरे एक ट्रेंड आएगा, कम होंगी और बढ़ भी सकती हैं, लेकिन मरीज की सांस, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन और सूजन आना ये निशानी है कि मरीज क्रिटिकल केयर की तरफ, मतलब इलनेस की तरफ जा रहा है। तो आपको उस समय मेजर लेना चाहिए, हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, जो भी टेक केयर कर सकते हैं बेस्ट उसकी करनी चाहिए जी। तो अभी कैसे पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और सर्दियों और गर्मियों की बात करें तो मौसम के हिसाब से आपके पास तो कैसे पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है? डिफरेंट सभी तरह के पेशेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो मिक्स आईसीयू है जिसमें के ट्रॉमा भी आता है और इस समय थोड़ा सा वायरल फीवर बहुत है ना। वायरल फीवर में जैसे कभी कभी स्कर्फ टाइफस के भी फीवर पेशेंट आ जाते हैं, और ये डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट बीमारी, लेकिन अपर जीआई ब्लीड के आ जाते हैं, स्ट्रोक के भी पेशेंट आ जाते हैं, तो हर पेशेंट को उसके हिसाब से देखते हैं जी। स्ट्रोक के क्या क्रिटिकल केसेस सामने आते हैं, या उनके लक्षणों की अगर बात करें तो उसमें क्या लक्षण रहते हैं? स्ट्रोक के लिए सबसे जो अवेयरनेस की जरूरत है वो पहचानना। अगर किसी पेशेंट के फेस पे चेहरा टेढ़ा हो रहा है, हाथ पैर में वीकनेस आ रही है और उसकी हिस्ट्री है पहले से ब्लड प्रेशर की, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज ले जाना चाहिए। और 4 घंटे से पहले अगर वो थ्रम्बोलाइज हो जाता है, जो एक इंजेक्शन लगता है, तो उसके सर्वाइवल के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिकवरी के चांस। ये बहुत अवेयरनेस है। अभी आगरा में 4 घंटे से पहले शायद मेरे को लगता है 2-4 पेशेंट हैं जिनको थ्रम्बोलाइज किया गया होगा जी। तो जैसा कि आपने बताया कि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, अगर टाइम से पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाता है तो काफ़ी परसेंट चांस रहते हैं उसके बचाव करने के, उसके ट्रीटमेंट के। तो कितने, अगर किसी को क्रिटिकल केस है किसी बीमारी को लेकर या अचानक स्ट्रोक हुआ उसको, तो कितने समय में अगर उसको ट्रीटमेंट मिलता है तो बीमारी को कवर करने में हेल्प मिलती है? देखो क्रिटिकल केयर में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, टाइम, राइट टाइम, राइट डिसीजन और राइट इंटरवेंशन। अगर तीनों चीज़ें राइट टाइम पे हो तो यू सेव द लाइफ एंड सेव द मनी।
ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक के पेशेंट में है, सपोज कर रिसेंटली अभी मतलब टू भी पहले एक पेशेंट डॉक्टर थे, उसको स्ट्रोक हुआ, यंग डॉक्टर थे, उसको पता थी तो उसने इमीडिएटली मतलब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से भी उसको विद इन वन आवर लाया गया, उसको इमीडिएटली सीटी कराई, इमीडिएटली सीटी से उसको इंजेक्शन थर्मोलाइज करा और नाउ इज ही रिकवरिंग वेल। अदरवाइज जिसको पता ही नहीं है घूमता रहता है और फिर सोचते रहते हैं, उसमें मरीज की रिकवरी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जी तो दर्शकों आपको बता देते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रिटिकल केस और क्रिटिकल केयर के बारे में, और इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रणवीर त्यागी, और चर्चा कर रहे हैं हम क्रिटिकल केस किस तरीके के होते हैं, पेशेंट्स में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और इनकी जो रिकवरी है वो कितने समय में की जा सकती है। तो चर्चा आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर आप जैसा बता रहे हैं कि जैसे पैसा भी काफी वेस्ट होता है अगर समय ज्यादा हो जाए तो, अगर हम बात करें एक एज ग्रुप की तो ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो एज ग्रुप अगर हम देखें नॉर्मली तो किस एज ग्रुप के पेशेंट्स आपके पास ज्यादा आते हैं क्रिटिकल केस को लेके? देखो एज ग्रुप थोड़ा सा ओल्ड एज वाले ज्यादा आते हैं, है ना, अभी सीजनल है तो बच्चे और यंग लोग और सभी तरह के आ रहे हैं, लेकिन ओल्ड एज में ज़्यादा आते हैं और ओल्ड एज में रिकवरी थोड़ी सी स्लो होती है और कभी कभी लॉन्ग स्टे हो जाता है हॉस्पिटल में तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और मरीज का पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो टाइम से सारी चीज़ों को मैंने एक चीज़ बताई, राइट टाइम राइट डिसीजन और राइट इंटरवेंशन जरूरी है। जी तो अगर बात करें फर्स्ट एड की तो जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा की अगर हम बात करें तो पेशेंट को किस तरीके की प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं ताकि अगर समय लग रहा है या उसका घर दूर है हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल ले जाने में टाइम लग रहा है, तो वो क्या फर्स्ट एड हो सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत कवर या उसको कंट्रोल किया जा सकता है उस कंडीशन को? वो अलग अलग बीमारी के हिसाब से होता है। जैसे सपोज करो किसी घर पे किसी को अटैक पड़ गया तो उसके लिए एक हमारी संस्था है, उसने गाइडलाइन बना रखी है COLS, आजकल चेस्ट कंप्रेशन फर्स्ट करो सेव लाइफ। तो उसमें आपको अगर उसका जो एक 23 अक्टूबर को हम एक प्रोग्राम भी करेंगे डिफरेंट जगह पे CPR पे कि उसको चेस्ट कंप्रेशन करते हुए अगर हॉस्पिटल ले जाते हो ना तो उसके सर्वाइवल के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे डिफरेंट करो स्ट्रोक का है तो इमीडिएटली उस सेंटर पे ले जाना चाहिए जहाँ CT है और डायग्नोस होके थ्रम्बोलाइज होना चाहिए। फीवर का मरीज है तो उसकी सांस ज़्यादा तो नहीं चल रही है, उसके ब्लड प्रेशर तो कम नहीं हो रहा है इमीडिएटली। मैंने कहा ना दिल की धड़कन ज़्यादा चलना और सांस चलना, उनमें से भी अगर एक सिम्टम कहोगे तो सांस ज़्यादा चल रही है तो समझ लो वो क्रिटिकल है। होश बेहोश की चीज़ बाद में है, पहले सांस को देखो, अगर सांस ठीक चल रही है इसका मतलब मरीज हमारा ज़्यादा क्रिटिकल केयर में नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक जागरूकता नहीं है और कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं उन चीज़ों को, पहले से अगर कोई सिम्टम्स लगते हैं कोई लक्षण उन्हें दिखते हैं तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं, शायद मौसम बदलने की वजह से हो रहा है ऐसे। तो अगर जनरली बात करें तो अभी बुखार के पेशेंट और स्ट्रोक के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं तो उनमें क्या पहले जो लक्षण होते हैं वो क्या रहते हैं जिससे एक पेशेंट को सतर्क हो जाना चाहिए कि शायद आगे चलकर ये बड़ी बीमारी या क्रिटिकल केस हो सकता है? देखो अगर उसको सपोज करो किसी को बुखार आ रहा है तो प्राइमरी फिजिशियन को दिखा के जहाँ भी है उसको दिखा के अगर उसका CBC करा लिया, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, सांस ठीक है तो कोई बात नहीं, ऑब्जर्वेशन घर में ही होना चाहिए, पर रेगुलरली अपने फिजिशियंस के टच में रहना चाहिए। कई कई बार क्या होता है कि वो ठीक है बुखार की गोली ले ली कहीं से और उसके बाद में वो अपना लेके मस्त रहता है, जब मरीज को ब्लड प्रेशर कम हो गया, सांस तेज चलने लगी, जब लेके आते हैं ना तो फिर उसकी रिकवरी के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। जी तो कितना समय, एक मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो कितने समय में वो हॉस्पिटल पहुंच जाए तो जल्द से जल्द कवर कर? अगर 4 घंटे से कम समय में उसको थ्रम्बोलाइज हो जाए तो सबसे जल्दी से जल्दी उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। जो अदर सिटी हैं इंडिया के अंदर, वेस्ट पुणे के अंदर 90 मिनट्स का रिकॉर्ड है कि जहाँ वो थ्रम्बोलाइज कई पेशेंट को किया हुआ है। जी तो दर्शकों आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रणवीर त्यागी और चर्चा कर रहे हैं हम क्रिटिकल केस के बारे में, क्या लक्षण होते हैं, कौन से पेशेंट इनके पास ज़्यादा आते हैं, क्या आप क्या जो प्राथमिक चिकित्सा है वो पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उस बीमारी को, इस केस को जल्द से जल्द कवर किया जा सके, और जो प्राथमिक चिकित्सा मिलने के बाद जो समय है उसमें आप हॉस्पिटल उस पेशेंट को पहुँचा सकते हैं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर वेंटिलेशन को लेकर भी लोगों के मन में तमाम भ्रांतियाँ कह लें या फिर जानकारी का अभाव कह लें,
ये होता है। तो अगर हम बात करें वेंटिलेशन की, तो दर्शकों को आप वेंटिलेशन के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखो, लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां, मैं भी देखता हूँ आए दिन, मरीज साहब वेंटिलेटर पर गया इसका मतलब साहब अंतिम है, अब तो नहीं बचेगा। बिल्कुल। ऐसी ऐसी बात नहीं है। वेंटिलेशन क्यों, किस लिए वेंटिलेशन कर किया जा रहा है मरीज को, बीमारी क्या है, किस बीमारी में, एज क्या है मरीज की, है ना, किस बीमारी के लिए वेंटिलेशन कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बीमारी ये होती हैं, जैसे अभी सपोज करो स्नेक बाइट का पेशेंट आता है, सांप काटा, लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं कि सांप काटे में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं अपने जहाँ जो मिलते हैं, अगर टाइमली आ गया तो वो वेंटिलेटर पर मरीज जाएगा, उसमें 90-95% मरीज ठीक हो जाते हैं, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ सिंड्रोम होते हैं, गुलनबेरी सिंड्रोम है, एक सांस वायरल का वो है, उसमें मरीज को 15-20 दिन तक रहते हैं वेंटिलेटर पर, कई कई मरीज को हमने 45 दिन वेंटिलेटर पर रखा और मरीज आराम से छुट्टी होकर घर गया, तो वो नहीं है। लेकिन सपोज करो किसी मरीज के वेंटिलेशन में रखा, अब ब्रेन उसका सीव हेमरेज हुआ और ब्रेन डेड हो गया बिल्कुल, फिर वेंटिलेटर पे है, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, है ना। लंग में बहुत ख़राब बीमारी है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, इनमें लास्ट स्टेज होती है, जहाँ वेंटिलेटर पर रखा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये पता कर लेना चाहिए अपने डॉक्टर से कि ये बीमारी क्या है, क्यों वेंटिलेशन पर रखा गया है और इसके चांसेस क्या हैं सर्वाइवल के। जी, तो ये तो हमने बात की भ्रांतियों की। अगर हम एक जनरली बात करें, दर्शकों को या पेशेंट्स को नहीं पता होता है, कहीं ना कहीं वो घबरा जाते हैं कि वेंटिलेशन की बात हो रही है या तो उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो नहीं बच सकते हैं, तो दर्शकों को इस बारे में थोड़ा सा और बताइए कि जो वेंटिलेशन की प्रक्रिया है वो क्या रहती है जनरली, ताकि जो कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सके लोगों के दिमाग से। देखो, वेंटिलेशन बेसिकली वेंटिलेशन क्या है, अपने घर में भी खिड़की लगाते हो वेंटिलेटर, हवा का आना जाना है ना, तो वो दो तरीके से होता है। एक तो नॉन इन्वेजिव, मतलब आप कभी कभी देखा होगा मास्क लगा के वेंटिलेशन करते हैं, और एक होता है इन्वेजिव, वो अंदर सांस की नली में नली डाल के। तो मास्क लगा के ही दो जगह है जहाँ मरीज कॉन्शियस होना चाहिए, सांस तेज चल रही है लेकिन मरीज फुली कॉन्शियस है, तो वहाँ मास्क लगा के चल जाते हैं, ये वेंटिलेशन का पहला वो स्टेज है, है ना। अगर मरीज बेहोश है, ब्लड प्रेशर कम है, तो फिर उसको इन्वेजिव मतलब नली डाल के ही वेंटिलेशन करना चाहिए। और वेंटिलेशन पर जाने पर कभी कभी घबराना नहीं चाहिए, देखो ये सब प्रक्रिया है, बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं वेंटिलेटर पर गया वो मरीज ठीक नहीं हुआ, बहुत सारे मरीज ठीक होते हैं और बहुत सारे बिना वेंटिलेटर गए हुए भी नहीं ठीक होते, तो ये बीमारी पर डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, किडनी की बीमारी में वेंटिलेशन की जरूरत पड़ जाती है, दिल की में भी पड़ जाती है, दिमाग की में भी पड़ जाती है, फेफड़ों की, तो वेंटिलेशन की जरूरत अलग अलग बीमारियों में डिफरेंट वो नीड के हिसाब से की जाती है। जी, तो दर्शकों आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रिटिकल केस के बारे में, और इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रणवीर त्यागी। यहाँ हम रुक रहे हैं दर्शकों एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे इनके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं और क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है ट्रीटमेंट के दौरान। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में, और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि दर्शकों हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर रणवीर त्यागी के साथ क्रिटिकल केस और केयर के बारे में, अभी तक हमने चर्चा में जाना कि किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं किसी पेशेंट में, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं इसके बारे में हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो वेंटिलेशन की प्रक्रिया है वो ऐसी नहीं है कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो उसका बचना मुश्किल है, काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो बच सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी बीमारी कैसी है, उसको कितने समय में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर, क्रिटिकल केस में हमने डायलिसिस का भी काफी रोल रहता है, तो अगर हम बात करें डायलिसिस की, तो वो क्या होती है और लोगों को क्या भ्रांतियां हैं उसको लेकर? लोगों में इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कोई मरीज आता है, सपोज करो उसको सडनली ब्लड प्रेशर कम था, यूरिन आउटपुट उसका कम हो गया, आ नहीं रहा है, तो अब उसकी आउटपुट नहीं आ रहा, तो बॉडी में आपको उसके लिए डायलिसिस करना पड़ेगा। मरीज की बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम ज़्यादा है, सीवियर एसिडोसिस हो रही है बॉडी में, तो वहाँ डायलिसिस ही एक औपचारिक ट्रीटमेंट है, जो जल्दी होगा मरीज के सर्वाइवल उतने ही अच्छे होंगे। लेकिन लोगों में भ्रांति है, ऐसा डायलिसिस कराएंगे तो अब क्या जिंदगी भर करानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है।
जिंदगी भर कराने के लिए तो किडनी परमानेंट खराब होनी चाहिए, तभी उसको जिंदगी भर, जिनको सीकेडी बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी फेलियर वाला वो मरीज होते हैं, तो वो क्रॉनिक तो है नहीं, सडन एक्यूट से हुआ। एक्यूट में मरीज को डायलिसिस जरूरत है, आपने उसका किडनी का फंक्शन करा बेसिकली डायलिसिस मशीन ने और उसके टॉक्सिन्स निकाले, मरीज का बाद में आउटपुट आ जाता है, डायलिसिस की जरूरत नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि एक बार डायलिसिस करने के बाद जिंदगी भर डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, नहीं बिल्कुल नहीं जी। अगर हम बात करें इसके अलावा डायलिसिस और वेंटिलेशन के अलावा और क्या क्या कंडीशन के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होते हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं किसी क्रिटिकल केस में? जैसे मान लो ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर के सबसे देखते हैं कि रीजन क्या है, मतलब ब्लड लॉस की वजह से, दिल की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए IVP लाइन डाल के की जाती है। तो अगर मान लो ब्लड प्रेशर फ्लूड किसी मरीज जो जा रहा था और सडनली उसको ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब उसका ब्लड प्रेशर कम है, तो ये सोचना चाहिए कि भाई ब्लड प्रेशर कम होने का मतलब है मरीज के खून लॉस हुआ है, हो सकता है बाहर दिख रहा हो सकता है बाहर नहीं दिख रहा हो, पहले वो रूल आउट करो। अगर दिल के धड़कन के रुकने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको आपको कार्डियोलॉजी के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। तो उसके हिसाब से क्या बीमारी है उसी के हिसाब से आपको क्रिटिकल केयर में मेन चीज़ है आपको आइडेंटिफिकेशन करना और उसके हिसाब से उसको मैनेज करना, ये सबसे जरूरी प्रॉब्लम है और टाइम के हिसाब से। जी, तो जैसा कि दर्शकों को आपने बताया कि ये जो तमाम क्रिटिकल केस आते हैं उसमें डायलिसिस वेंटिलेशन काफ़ी कारगर साबित होते हैं और परसेंटेज भी काफ़ी रहते हैं कि पेशेंट को बचा लिया जाए, वो तो लोगों के दिमाग में एक सोच बन चुकी है कि वेंटिलेशन या डायलिसिस हो रहा है तो पेशेंट की अंतिम समय में ही ऐसा कुछ होता है या ऐसी बात करें। अगर हम बात करें दवाओं की तो इसके साथ साथ दवाएं कितना इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं किसी क्रिटिकल केस में और वो कब पेशेंट को दी जाती है और कितना समय लग जाता है? दवाएं भी देखो बीमारी के हिसाब से ही हैं, जैसे मैंने कहा ना स्ट्रोक में थर्मोलाइज करना है जल्दी, वो उसकी प्रायोरिटी है, सबसे पहले क्या है CT और थर्मोलाइसिस। जैसे ही अगर किसी मरीज को सांस की दिक्कत हो रही है तो उसको वेंटिलेशन सबसे जरूरी है, उसके साथ में दवाएं हैं। किसी मरीज को इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस है मान लो, तो उसको एंटीबायोटिक की डोज राइट टाइम पे मिलना सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। अगर राइट टाइम पे डोज मिल गई तो उसको फर्दर इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांस कम होंगे। सपोज करो किसी मरीज के पेट में परफोरेशन हाथ फड़ी है, अब आप दवाएं दे रहे हो तो उसमें ऑपरेशन और दवाएं दोनों का रोल है। राइटली मरीज कहेगा साहब बिना ऑपरेशन के ही काम चला लो, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन होना ही चाहिए, बिना उसके दवाएँ भी काम नहीं करेंगे। इसलिए क्रिटिकल केयर में क्या सब चीज़ों का एक साथ कोरिलेशन बैठाना, किस किस की जरूरत कब है उसी के हिसाब से उसको मैनेज करना, ये बहुत बड़ी आर्ट है और यही सबसे जरूरी है। ऑपरेशन होना है हो नहीं होना है, दवाएं चलनी है, डायलिसिस चलनी है, वेंटिलेशन पे है, क्या क्या किस में से किस चीज़ की कब जरूरत है, ये टाइम के हिसाब से उसको टाइम टू टाइम चेंज करना जी। डॉक्टर, अगर हम बात करें ऑपरेशन या सर्जरी की तो नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं, तमाम आविष्कार किए जा रहे हैं, तमाम दवाएं नई आ रही हैं लगातार, तो बीते 10 सालों की अगर हम बात करें तो पहले क्या ऑपरेशन सर्जरी में क्या बदलाव आए हैं और अभी जो नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं क्रिटिकल केस को लेके वो क्या क्या आ रहे हैं? देखो क्रिटिकल केयर में तो बहुत सारे बदलाव आ गए। अभी जैसे वेंटिलेशन की बात करें तो पहले कहाँ वेंटिलेशन के, अभी इतनी नई टेक्नोलॉजी मोड की ओर आ गए, इतनी सारी मोड के आ गए तो वेंटिलेशन में इतना सारा आ गया, टाइमली नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन का इतना रोल हो गया, बच्चों में हाई फ्लो का रोल हो गया। ऐसे ही दवाओं के बारे में बात करें तो जैसे स्ट्रोक की दवा, स्ट्रोक में जो थर्मोलाइज करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल आ गया। सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल आ गया। आजकल सर्जरी में इतने एडवांसमेंट हो गए, कई बार ट्रॉमा का मरीज आया, आपने दूरबीन से देख लिया ब्लड कलेक्शन है कि नहीं है, है ना, अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, तो आपने डायग्नोस्टिक करके देख लिया, आप शांति से हो कि मैंने मरीज का एक बार देख लिया। हो सकता है कई बार रिपोर्टें डिफरेंस हो सकती हैं लेकिन जगह आप खुद देखते हो आंखों से, उस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। रिपोर्टें तो मशीन कर रही, हो सकता है मे बी इट पे भी रहूँ जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि तमाम नए उपचार भी आ रहे हैं, तो अगर हम बात करें सिनर्जी हॉस्पिटल की, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं वहाँ क्रिटिकल केस डिपार्टमेंट के, तो सिनर्जी हॉस्पिटल में कौन से जो ट्रीटमेंट हैं वो अवेलेबल हैं? देखो एक तो किसी भी काम को करने के लिए टीम चाहिए, है ना, और टीम जो एक टीम चाहिए और फिर उसका कोऑर्डिनेशन और अप्रोच चाहिए किसी को, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी करे तो इंडिविजुअल कभी भी सक्सेस ज़्यादा नहीं हो सकता।
तो सिनर्जी में जो एक टीम अप्रोच है सब लोगों की, और सर्जरी में जैसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत एडवांस है, गेस्ट्रो में बाकी है, जितनी भी ब्रांचें हैं न्यूरो सर्जरी है जिनमें हैं, क्रिटिकल केयर में वहाँ दो हमारे दो लोग जो कंसल्टेंट हैं, बाकी हमारे यहाँ और बाकी ड्यूटी डॉक्टर हैं, तो अप्रोच है टाइम से, मैंने कहा ना टाइम डिसीजन के हिसाब से, इमिडिएटली ईडी से लेके और आईसीयू तक का मरीज का जो टाइम वेस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो हमारी चीज़ का प्रक्रिया फॉलो होती है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि तमाम जो उपचार हैं वो सिनर्जी में अवेलेबल हैं, और ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा किया जा रहा है, जो नई तकनीक आ रही हैं, टेक्निक्स हैं उनके द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर हम बात करें एक पेशेंट के डाइट की, क्रिटिकल केस से जो पेशेंट जूझ रहा है या उसका जो इलाज चल रहा है, तो अगर उसकी हम डाइट की बात करें तो वो कैसी रहनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी कवर कर सके? देखो डाइट एक ज़रूरी पार्ट है बॉडी में, बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, तो डाइट का एज अर्ली पॉसिबल हो उसको एंट्रल डाइट देनी चाहिए। मान लो सपोज करो ट्रॉमा का मरीज आया, तो आपने उसकी गट की देख ली, मोर्टेलिटी ठीक है, गट ठीक काम कर रही है, तो आप उसको अगर मुंह से नहीं दे रहा तो राइस ट्यूब फीडिंग से शुरू करना चाहिए, है ना, क्योंकि बॉडी में कैलोरी तो चाहिए ना, एनर्जी, तो अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके हिसाब से कम कैलोरी चाहिए, इसलिए डाइट का भी बहुत रोल है। और अगर वो जल्द ही एक्सेप्ट करे पेशेंट, उसी समय डाइट जरूर ध्यान रखनी चाहिए, है ना, राउंड पे जो प्रक्रिया है उसमें डाइट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मरीज को फीडिंग चल रही है या नहीं चल रही है, ओरली ले रहा है, अगर ओरली नहीं ले रहा है तो उसको आईवी दे सकते हैं, है ना, लेकिन आईवी तभी देनी चाहिए जब मरीज ओरली नहीं ले रहा। बिल्कुल। तो दर्शकों आपको बता देते हैं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रणवीर त्यागी, और चर्चा कर रहे हैं हम क्रिटिकल केस और केयर के बारे में। अभी तक हमने चर्चा में जाना कि तमाम जो लक्षण हैं वो अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। तमाम ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट संभव है, और अगर आप समय रहते हॉस्पिटल में ले जाते हैं एक पेशेंट को तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक किया जा सकता है। वेंटिलेशन और डायलिसिस के बाद भी पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तमाम प्रक्रियाएं नई आ गई हैं, उनके तरीके से जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो पेशेंट जल्द से जल्द कवर कर लेता है। डॉक्टर से आगे जानेंगे, डॉक्टर अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल और इंडिया लेवल की, तो जो क्रिटिकल केस के जो क्रेज आते हैं सामने, वो कितने परसेंट इंडिया में बढ़े हैं या बीते समय में उनकी क्या स्थिति रही है अभी तक? देखो नंबर ऑफ केसेज बढ़ रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि लोगों में क्या होता है लाइफस्टाइल की वजह से आपको ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ रहे हैं, है ना, डायबिटीज बढ़ रही है, अब जहाँ ये बीमारी और ऐड हो जाती है तो क्रिटिकल केयर की संभावना और सीरियस होने की बढ़ जाती है, क्योंकि रिकवरी ये कोमॉर्बिड कंडीशन कहलाती है, ये मरीज की कंडीशन और ख़राब करने की है, तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड वाइज इंडिया में इन केसों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, ट्रॉमा के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, और ट्रॉमा के मरीज में भी जो गोल्डन आवर होता है ना उसकी फैसिलिटी तो है नहीं इंडिया में, किसी मरीज को ट्रॉमा का मरीज आए एक घंटे में सब कुछ मिल जाए वो नहीं है, तो वो सब चीज़ों के लिए और पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे ट्रॉमा का मरीज हुआ ब्लीड कर रहा है तो पब्लिक देखती है वीडियो बना रही है, लेकिन ये नहीं इमिडिएटली उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए नियर बाई, और नियर बाई हॉस्पिटल्स में जहाँ पे क्रिटिकल केयर की पूरी सुविधा हो, जहाँ इमिडिएटली ईको हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए, सीटी हो जाए, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। आजकल अल्ट्रासाउंड मशीन, ईको मशीन आईसीयू में होना चाहिए, इमिडिएटली प्रोब रख के और पता लग जाती है मरीज को ब्लीडिंग हुई है नहीं हुई है पेट में इमिडिएटली, तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। जी, तो जैसा कि आपने बात की अवेयरनेस की, अगर हम देखें तो सामान्यतः लोगों में अवेयरनेस इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं भ्रांतियों की वजह से कम ही मिलती है। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जनरली आपसे क्या जानना चाहते हैं और उनके मन में क्या सवाल रहते हैं क्रिटिकल केसेस को लेकर? मरीजों के बहुत सारे सवाल से रहते हैं, साहब ठीक तो हो जाएगा सब बता, कई सारे मरीज होते हैं हम बताते हैं कि साहब ठीक होने की संभावनाएं नहीं है इनमें, फिर भी बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हैं, खैर वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन मरीज के और डॉक्टर के बीच का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और मरीज को उसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए। हो सकता है कई बार एक बार नहीं समझते उसमें से सारे मरीज हैं, बहुत सारे समझ जाते हैं बहुत नहीं समझते, ये तो टाइम टू टाइम है, लेकिन कम्युनिकेशन और अवेयरनेस ये कंटिन्यूस पार्ट है, पब्लिक में होते रहना चाहिए। जी, तो हम ये देखते हैं कि आजकल डॉक्टर्स भी काफ़ी कैंपेन चलाते हैं, काफ़ी जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, तो इन सब का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है लोगों को अवेयर करने में? बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारी सोसाइटी अभी एनेस्थीसिया सोसाइटी ने और क्रिटिकल केयर सोसाइटी, दोनों अलग अलग सोसाइटियों ने कैंपेन चला रखी है संजीवनी,
संजीव स्कूल्स में जाके, जैसे हमारा प्रोग्राम हमें जेपी होटल में अलग अलग कर्मचारियों को, जैसे हमने जेपी होटल में अभी पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम करा था, लोगों को यहाँ आ जाए, आग लग जाए, जल जाए तो क्या करना चाहिए, कोई किसी को पूल में अगर डूब रहा है तो क्या करना चाहिए, और किसी को मतलब फंदा लग जाता है जैसे ऑब्स्ट्रक्शन, कोई नॉनवेज खा रहा है अटक गया क्या करना चाहिए, और हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके प्रोग्राम बीच बीच में हम लोग भी करते हैं और पब्लिक को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, नहीं तो सीखना चाहिए। संजीवनी का प्रोग्राम जो चल रहा है कि अगर किसी मरीज को हार्ट अटैक हो रहा है और किसी मरीज की सांस और दिल रुक रहा है तो क्या करना चाहिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो पिछले 2 महीने पहले बॉम्बे एयरपोर्ट पर एक मरीज को हार्ट अटैक हुआ और एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ने उसको CPR किया और पेशेंट सर्वाइव करा कम्प्लीटली, ही इज ओके नाउ, है ना। तो वहाँ उसको बहुत अवार्ड और अवेयरनेस, अगर वो नहीं होती तो पेशेंट विल 100% डाई। जी, तो तमाम इन महत्वपूर्ण जानकारियों के बीच हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी जो हमने चर्चा की है आज के एपिसोड में, वो जनरली अगर हम बात करें तो अवेयरनेस की बात है, कहीं ना कहीं जो आपकी जागरूकता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जागरूक हैं किसी कंडीशन को लेकर तो काफ़ी हद तक किसी पेशेंट की जान बचाने में आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाने में कहीं ना कहीं आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हम डॉक्टर का शुक्रिया अदा करेंगे, और चलते चलते डॉक्टर आपसे जानेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्रिटिकल केस को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं यही देना चाहूँगा कि भाई अगर मरीज की सांस ज़्यादा चल रही है और ज़्यादा दिल की धड़कन दिख रही है, आपको थोड़ा सा भी अनकम्फर्टेबल हो रही है, तो आप अपने नियर बाई डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, है ना, और उससे पूछ लें कि कोई सीरियस बात तो नहीं है ये, क्योंकि टाइम डिसीजन बार बार एक चीज़ पे मैं जोर कर दे रहा हूँ, और इंटरवेंशन सेव लाइफ सेव मनी। तो दर्शकों, आपको बता देते हैं कि इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमने आज के एपिसोड में चर्चा की डॉक्टर रणवीर त्यागी के साथ, जो कि डायरेक्टर है क्रिटिकल केस डिपार्टमेंट सिनर्जी हॉस्पिटल में, और इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। दर्शकों, आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो जनरली अवेयरनेस को लेकर है। आपको अगर जागरूकता है किसी बीमारी को लेकर, किसी आपको लक्षण कोई लगते हैं किसी पेशेंट में, तो आपको वहां खड़े ना रहकर उसको देखना नहीं है, आपकी जो अवेयरनेस है उसको सही जगह इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएं। दर्शकों, अगले एपिसोड में हम फिर एक नए विशेष विशेषज्ञ के साथ हाजिर होंगे और इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।